जिस्म पे हज़रत खालिद बिन वलीद कहा करते थे मेरे जिस्म का कोई हिस्सा नहीं जिस पे बिरछी या नेजे या तलवार का निशान ना हो। ज़ाहिर है इतनी जंगों में जख्म लग जाते हैं, लेकिन मैं भी आज एक बूढ़े ऊँट की तरह बिस्तर मर्ग पे मर रहा हूँ। मैंने सैकड़ों जंगों में अपनी मौत को तलाश किया है। लेकिन ये हज़रत खालिद बिन वलीद के शेर हैं कि मैं भी अगर मौत मैदान जंग में आती तो मुझे आती जिसने सैकड़ों मार के लड़े हैं। और सर पीछे बैठ के नहीं, आजकल के जर्नैलों की तरह फ्रंट से लीड करके। तो ये उनके शार आज भी उनका जो कब्र या मजार बना है उसके साथ एडजेसेंट मस्जिद की दीवार के ऊपर ये शेर लिखे हुए, आप यूट्यूब पे जाके देखें तो आपको मिल जाएंगे। फ्रंट से लीड करके पूरी जिंदगी लड़े हैं। और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मुसलमानों के हीरो हैं। बाप के बारे में कुरान में इतने सख्त अल्फाज हैं और बेटा देख ले, ठीक है। और आपको पता है कि हज़रत खालिद बिन वलीद हज़रत उमर की जिंदगी में फौत हो गए थे। इनकी जब शहादत, इनकी फौत होने की खबर जब मदीना शरीफ में आई ना, तो कुछ औरतों ने बावेला करना शुरू कर दिया। हज़रत उमर तो आपको पता है बड़े सख्त मिजाज थे, उनका ये औरतें क्यों रो रही हैं, क्या हुआ है, तो बताया कि खालिद बिन वलीद फौत हो गए। हज़रत उमर ने रोना शुरू कर दिया, हालांकि खुद माज़ूल किया हुआ था, लेकिन वो अल्लाह के लिए किया हुआ था ना, अपनी ज़ात के लिए नहीं। आप फरमाए इन औरतों को रोने, खालिद वाकई इस काबिल है कि उसके ऊपर रोया जाए, क्योंकि बाकियों की अगर कोई तारीफ करता है ना तो गुलूब हो सकता है। खालिद ने